जी, बंगाली स्टाइल का बैगन भाजा तो आपने बहुत खाया होगा, बट क्या आपने बिहारी स्टाइल से बैगन भाजा बनाया है? अगर नहीं, तो आज मैं यहाँ बताती हूँ ये कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक बैगन ले लेंगे। जहाँ तक बात आती है बैगन को काटने की, तो लोग अपने अपने सेप में बैगन काटते हैं, बट बैगन भाजा बनाने के लिए ये सेप सबसे ज़्यादा अच्छा शेप आप कह सकते हैं, क्योंकि इसे मैं देखिए इस तरीके से काट रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपका जो भी मसाला है वो अंदर तक जाएगा और थोड़े ही समय में वो अंदर तक पक भी जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक प्लेट में ले लिया है 1 चम्मच हल्दी, मिर्चा और नमक। इन तीनों को हम इस तरह से मिला लेंगे ताकि सारा आपस में मिल जाए, और इसे फिर फिंगर के हेल्प से आप इस तरह से लगा लें, सारा मसाला अंदर तक भी लगा लें ताकि जो स्वाद है मसाला का वो अंदर तक जाएगा, या फिर बैंगन को मसालों पे डाल के आप इस तरह से मिला लें। बट आप कैसे भी मिलाएं, आपका हाथ तो हल्दी हल्दी हो ही जाएगा, है ना? तो ठीक है, क्या दिक्कत है बैंगन भाजा खाने के लिए, हम हाथ हल्दी हल्दी कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक नया फ्लेवर देंगे हम, एक हरा मिर्चा काट लेंगे, उसको बीच से काट के उसको हाफ ऑफ करके आप इस बीच में डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपके बैंगन भाजा में। इस तरह से सारा बीच में हम लगा लेंगे। और वो गाना सुना है ना आपने, मैं पानी पानी हो गई, इस तरह हम यहाँ पे गा सकते हैं, मैं हल्दी हल्दी हो गई। तो जोक सपाट, चलिए अब हम बनाते हैं बैगन भाजा। तो इसे मैं नॉनस्टिक पैन में थोड़े से तेल में बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस अगर आप ज़्यादा हैं तो आप थोड़े से तेल में बैगन भाजा बना के खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीप फ्राई अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा ये। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे खाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से थोड़े से तेल में नॉनस्टिक पैन में बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसे थोड़ी देर के बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे ढक दें, जिससे वो अंदर तक पक जाएगा और जल्दी हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए। और तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। इसको आप पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी रूप में खाइए, ये आपको अच्छा टेस्ट देगा। तो अगर ये रेसिपी आपको आई है पसंद, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। टिल देन, बाय बाय।